सावित्री, मैं बहुत ही परेशान हूँ आजकल। मुझे ही अपने पूरे समाज की हालत अब मुझसे देखी ही नहीं जाती। ये भेदभाव, ये तिरस्कार, अब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। अब सही कह रहे हैं, पूरे समाज में ऊंची जातियों के भेदभाव के कारण निचले जातियों का जीना दुभर ही हो गया है। सावित्री, हमें कुछ करना ही होगा, पर कैसे? कौन हमारी बात मानेगा? सावित्री, हमें कुछ करना ही होगा, हमें इन सारे लोगों को जागरूक करना ही होगा, पर कैसे? कौन हमारी बात मानेगा? मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम अन्यों को शिक्षित करना। जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना, तो तुम अन्य महिलाओं को शिक्षित करना। पहले रहेंगे एक, एक से दो, फिर दो से चार। अगर यही रास्ता है तो मैं जरूर पढ़ना सीखूंगी। सावित्री को पढ़ाते हुए, चलो सावित्री, आज मैं तुम्हें वर्णमाला सिखाता हूँ। क क ख ख ग। जब सावित्री शिक्षित हो गई, अब मैं शिक्षित हो गई। यह शिक्षा मैं समाज सुधारने के लिए तथा स्त्रियों के कल्याण के लिए उपयोग करूंगी। सावित्री कुछ महिलाओं को निवेदन करते हुए कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने भेजे। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को पाठशाला भेजिए, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। ये कलमुही को तो देखो, जब भी आ जाती है और हमारे बेटियों को तो बिगाड़ने के लिए आ गई। मैं उन्हें बिगाड़ने नहीं, पढ़ाने आई हूँ। अरे, इन्हें पढ़ लिख तो करना ही क्या है, करना तो चुल्ला चौकाई है। इतनी बेशरम है, ये भगाओ फिर भी चली आ जाती है। हजारों विनतियों के बाद कुछ लोग अपने बच्चों को पाठशाला भेजते हैं। आज हम भारत के बारे में पढ़ते हैं। मैडम जी, हमारे भारत, हमारे राष्ट्रपति कौन है? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। मैडम जी, हम किस राष्ट्र में रहते हैं? बेटी, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत के कितने राज्य हैं? भारत के 28 राज्य हैं। बोलने का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। पाठशाला यही समाप्त होती है, कल तुम लोग फिर से पाठशाला आ जाओ। कोई बात नहीं सावित्री, तुम दुखी मत होना। सावित्री बहुत दुखी हुई, ज्योतिबा सावित्री को समझाते हुए, सावित्री कल से तुम एक साफ सुथरी साड़ी पाठशाला लेकर जाना, ताकि कोई भी बाल की सामाजिक गंदगियां पाठशाला के अंदर ना पनपे। सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब उनकी मेहनत सफल हुई और बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैडम जी, मैं वकील बन गई। बहुत अच्छे। मैडम जी, मैं डॉक्टर बन गई। मैडम जी, मैं टीचर बन गई। मैडम जी, मैं पुलिस बन गई हूँ। शाबाश बच्चों। सावित्री भाई, हमें माफ करना, हमने आपको गलत समझा, बुरा भला कहा। आज आपके वजह से हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी है तथा समाज में सर उठाकर चल रही है। चलो सावित्री, अब हम चलते हैं। अब हमारे देश का भविष्य इन शिक्षकों के हाथ में सुरक्षित है। तो हम सब पढ़े लिखे, मेहनत करें, आगे बढ़े। आओ हम सब पढ़े लिखे, मेहनत करें, आगे बढ़े। ज्ञान अर्जन करें, मेहनत करें, आगे।
करी नहीं।